गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार PVR स्ट्रीम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है वृत्त। परीक्षाओं में वृत्त पर आधारित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो वृत्त से संबंधित प्रमेय पूछ लेगा, उसके बाद उससे आधारित क्वेश्चन ही बनते हैं जिसमें प्रमेय का ही इस्तेमाल करके हमको उन्हें सिद्ध करना रहता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा से पहले वृत्त के बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि वृत्त में किसे क्या कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं वृत्त। तो ये जानते हो कि किसी एक बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए बिंदुओं के बिंदपथ को वृत्त कहते हैं। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए बिंदुओं के बिंदपथ को वृत्त कहते हैं। इतनी बात समझ में आया। वृत्त में तीन चीज़ें हमें विशेष ध्यान देना है। पहला, वृत्त की त्रिज्या, दूसरा जीवा, और तीसरा वृत्त का व्यास। तो वृत्त की त्रिज्या, अगर इस केंद्र से कोई रेखा परिधि को जोड़ रही है, केंद्र से कोई रेखा परिधि को जोड़ रही है, तो जो OA है हमारी, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। तो किसी वृत्त में कभी कभी बहुविकल्पी पूछ लेता है कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएँ होती हैं। तो वृत्त में असंख्य त्रिज्याएँ होती हैं, अर्थात अनंत त्रिज्याएँ। वृत्त में अनंत त्रिज्याएँ होती हैं। एक त्रिज्या खींच दिए, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः, सात, ऐसे हम अनंत त्रिज्याएँ खींच सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली दूरी को त्रिज्या कहते हैं। फिर दूसरा हमारा आता है व्यास। व्यास क्या होता है? अगर कोई जीवा केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है? केंद्र से, तो हम इसे व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास। कोई भी जीवा अगर केंद्र से होकर जाए, ये देखिए केंद्र से होकर जा रही है, ये हमारी व्यास हो गई। कोई भी जीवा केंद्र से होकर जाएगी तो क्या होगा? व्यास होगा। और किसी वृत्त में अनंत व्यास होते हैं, किसी वृत्त में अनंत व्यास। और व्यास जो है वो त्रिज्या का दूना होता है। देखिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आधी है, और व्यास हम इसी को मिलाते हुए खींच दिए तो दुगना हुआ कि नहीं? तो व्यास जो है वो त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है। तीसरा कंडीशन आता है हमारा जीवा। ये हमारी जीवा है, तो इसमें भी असंख्य जीवा होती है, अर्थात जीवा भी वृत्त में अनंत होती है। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान देना, जो केंद्र से जीवा जाएगी, जो केंद्र से जीवा जाएगी वो तो अभी व्यास है। व्यास होने के साथ साथ जीवा भी होती है, व्यास होने के साथ साथ जीवा भी होती है। तो जो केंद्र से जीवा जाएगी वो क्या होगी? व्यास भी है और सबसे बड़ी जीवा है। व्यास तो है ही, लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो इतना समझ में आया होगा आप सबके। तो अब इस चलते हैं हम टॉपिक पर। वृत्त जो है हमारा अध्याय 10 में है, NCERT पैटर्न है, NCERT वृत्त अध्याय 10 से। तो वृत्त में सबसे पहले एक प्रमेय आप लोग को बताएंगे। प्रमेय सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वृत्त में जो होता है प्रमेय से ही संबंधित सवालें पूछी जाती हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है, प्रमेय हमें जानना चाहिए कि प्रमेय होता क्या है। तो प्रमेय पहले हम आपको बताते हैं। आप सब पहला प्रमेय लिखिएगा, क्वेश्चन आप सब नोट करते चलिएगा। पहला प्रमेय है, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। ये प्रमेय कुछ परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए पहले इस प्रमेय को हम सिद्ध कर लेते हैं। तो देखते हैं प्रमेय को।
पहले आप एक वृत्त बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त पर बाह्य बिंदु, यहाँ पर कोई एक बिंदु हमारा P है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक स्पर्श रेखा ये खींच दिए, दूसरी स्पर्श रेखा ये खींच दिए। सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ये इसका केंद्र होगा O। हमने यहाँ थोड़ा रचना कर दी है, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं, इतना का। तो सिद्ध करने में हमेशा चार बातों का ध्यान देना है। पहला कंडीशन ज्ञात है, ज्ञात है, ज्ञात है या तो दिया है, बात एक ही है, चाहे ज्ञात है कहो चाहे दिया है। ज्ञात हमें क्या होता है, जो क्वेश्चन में से हमें प्राप्त हो वही होता है ज्ञात है। दूसरा क्या होता है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में क्या मिलता है, जो हमें सिद्ध करना होता है अर्थात जिसको लाना होता है जो उत्तर, वही होता है सिद्ध करने में। तीसरा होता है रचना, यही इसका क्रम भी होता है। रचना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सवाल में रचना करना ही पड़े, तो जिसमें इसकी आवश्यकता होगी करेंगे, जिसमें आवश्यकता होगी नहीं करेंगे। फिर चौथा होता है उपपत्ति, इसी उपपत्ति में पूरा हल होता है, इसी उपपत्ति में पूरा का पूरा क्वेश्चन का हल होता है। तो पहला कंडीशन हमारा चल रहा है ज्ञात है। तो ज्ञात क्या है हमें इस क्वेश्चन से, ज्ञात यही है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या R है। त्रिज्या R मान लिया जाता है, किसकी त्रिज्या क्या है, R है, और ये वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु P स्थित है जिस पे दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींचा गया है। तो ज्ञात हमें क्या होगा, लिखोगे वृत्त COR, ये लिखने का तरीका होता है, C से सर्किल, O केंद्र वाले R त्रिज्या का, अर्थात O केंद्र वाले R त्रिज्या का वृत्त के बाहर, ऐसे कह लो पर, इतने पर वाह, इतने पर वाह बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है। ये हो गया सिद्ध। क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रमेय में ही बोला गया है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो सिद्ध क्या करना है कि जो ये स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। फिर रचना हमने थोड़ा किया है, रचना क्या किया है, रचना क्या है कि OA और OB को मिला दिया है। तो लिखोगे OA तथा OB को मिलाया, ये हो गया। फिर आते हैं सबसे लास्ट जिसमें हमको हल करना है इस सवाल का, उपपत्ति। और एक रचना कर किया जाएगा यहाँ पर, एक रचना और कर देते हैं इस सवाल में सिद्ध करने के लिए, इसको भी मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं। तो OA कामा OB तथा OP को मिलाया, को मिलाया, ये हो गया। आप सब इतना उतारते रहिए तब तक। तो उपपत्ति में क्या होगा, उपपत्ति में हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज दिख रहा है AOP और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है BOP। हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे और सर्वांगसम कक्षा 9 में आप सब पढ़े होंगे सर्वांगसम करने का नियम क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पर भी बता देंगे सर्वांगसम किया कैसे जाता है। तो पहले जो त्रिभुज को सर्वांगसम करना है उन दोनों त्रिभुज को हम ले लेते हैं। तो त्रिभुज हमारे क्या हैं, AOP है, तो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज AOP तथा दूसरा त्रिभुज है BOP,
त्रिभुज बी ओ पी में ये लिखा जाता है। अब सर्वांगसम करने का नियम होता है या तो उस त्रिभुज की तीन के तीनों भुजाएं बराबर हों, या तो दो कोण एक भुजा बराबर हो, क्या होता है, या तो तीनों भुजा बराबर हों, भुजा भुजा भुजा, ये सर्वांगसम करने के नियम हैं। दूसरा क्या होता है, या तो भुजा भुजा कोई कोण हो, या तो दो कोण हो और एक भुजा हो, ये तीन कंडीशन होते हैं। या तो तीन के तीनों भुजा दोनों त्रिभुज के बराबर मिलने चाहिए, जो पहला त्रिभुज हो उसकी भुजा दूसरे संगत भुजाओं के बराबर हो, पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर होना चाहिए, तीन के तीनों भुजा, या तो कोई दो भुजा या एक कोण बराबर हो, या कोई दो कोण एक भुजा बराबर हो। कभी ये मत गलती करिएगा कि तीनों कोण बराबर कर दें, अगर तीनों कोण बराबर कर दोगे तो वो सर्वांगसम ना होकर समरूप हो जाएंगे, तो इसलिए तीनों कोण बराबर कभी मत करिएगा, तीनों कोण से सर्वांगसम नहीं होता है, समरूप होता है। तो ये नियम हुआ, तो हम यही तीन नियम को यहाँ पर खोजेंगे। आइए देखते हैं, इस त्रिभुज का ये भुजा AO और इस त्रिभुज का OB, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो पहला कंडीशन हमें यहाँ से मिल गया कि AO बराबर BO के और बराबर R त्रिज्या है। दूसरी कंडीशन ये देखिए, PO इस ऊपर वाले भी त्रिभुज में है, अर्थात AOP में भी है और PO BOP में है, दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, PO बराबर PO, इसको लिखोगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, इतना हो गया। तीसरा इसमें क्या मिलेगा, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो यहाँ से मिल जाएगा कोण ए पी ओ बराबर कोण एक काम ये कोण मत दिखाइए, ये दोनों आपस में लंब होंगे, 90 हैं, तो क्या हो जाएगा, कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ, क्यों, चूंकि इसका कंडीशन होता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है, ये कंडीशन होती है, ये प्रमेय भी है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है, पहली प्रमेय है इस बुक की, लेकिन ये प्रमेय पूछी नहीं जाती है इसलिए नहीं बताया गया। तो प्रमेय आप याद रखिएगा, सिर्फ स्पर्श रेखा अगर और त्रिज्या, कोई स्पर्श रेखा है और त्रिज्या, इसके बीच जो कोण बनता है वो हमेशा समकोण होता है, तो ये हो गया। हमें यहाँ तीन कंडीशन मिल गए, दो भुजा मिल गया, एक कोण मिल गया, लेकिन इसको क्रम से लिखने के लिए देखना पड़ता है, भुजा है भुजा है कोण है, देखिए भुजा भुजा कोण, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए भुजा भुजा कोण सर्वांग समता से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी ओ पी के, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। तो दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम मतलब होता है सभी अंग समान, सर्वांगसम का मतलब यहाँ देखिए सर्वांगसम, सर्व मतलब सभी, इसी में आ है छुपा है, अंग समान, समता मतलब समान, तो सभी अंग समान अर्थात उस त्रिभुज के पूरे अंग समान हो जाएंगे। अब यहाँ से हमको मिला क्या था, ये भुजा इसके बराबर थी ऑलरेडी, यहाँ पर दिखाया गया है, ये स्वयं के बराबर उभयनिष्ठ है, बची एक ही भुजा, ये भुजा ये भुजा, तो ये अब इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अतः हो जाएगा पी ए बराबर पी बी, यही हमें सिद्ध करना था।
तो आप सब इसको उतार लीजिए। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो यहाँ तक अभी, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखा, कोई एक वृत्त है इसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वही होता है कि किसी एक बिंदु से इस पर रेखा खींची जाए जो इस वृत्त को स्पर्श करते हुए निकल जाए, अर्थात इसको छेदित, इसको काटती हुई ना जाए, स्पर्श करती हुई जाए। जैसे यहाँ से हम खींच रहे हैं तो इससे स्पर्श करते हुए इसे आगे निकल जाए रेखा, यह स्पर्श रेखा होती है, यही इसकी स्पर्श रेखा। अगर इसको काट रही है, ऐसे काट रही है, तो ये इसकी छेदक रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा, छेदक रेखा। अगर इसको काट रही छेदक रेखा हो जाएगी, अगर स्पर्श कर रही है तो स्पर्श रेखा, अगर कुछ नहीं कर रही ऐसे निकल जा रही है तो इस वृत्त की कोई रेखा नहीं है वो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पूछा क्या है, पूछा है कि कितनी स्पर्श रेखाएँ होंगी, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ होंगी। तो आइए देखते हैं कितनी स्पर्श रेखाएँ होंगी वृत्त पर। ये वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आइए अगर हम यहाँ से एक बिंदु कोई ले लेते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, फिर यहीं से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु लेकर ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं नहीं, यहाँ पर बिंदु लेकर कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अर्थात किसी भी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएँ होती हैं, अपरिमित रूप से अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर होगा अनंत स्पर्श रेखा, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। किसी भी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, कहीं से भी कोई एक बिंदु उठाइए, वहां से ऐसी स्पर्श रेखा खींचिए, रेखा खींचिए कि वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए, बस। तो पहले का आंसर क्या हो गया, अनंत स्पर्श रेखाएं हो गई। क्वेश्चन नंबर दो है, इसमें क्वेश्चन नंबर दो में चार क्वेश्चन है, बहुविकल्पी हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट यहाँ पर भरना है बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई एक वृत्त है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा यहाँ पर हम बना लेते हैं वृत्त, ये वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रच्छेदित करेगी। तो आइए देखते हैं, अगर यहाँ से कोई एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो इसको कितने बिंदु पर प्रच्छेदित कर रही है स्पर्श रेखा, किसी एक बिंदु पर, कितने पर, यहाँ पर देखिए एक बिंदु पर यहाँ टच कर रही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर, क्या होगा, एक बिंदु पर। अर्थात किसी भी वृत्त की कोई एक स्पर्श रेखा उसे एक से अधिक बिंदु पर प्रच्छेदित नहीं करेगी। दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। हमने इसके पहले वाली सवाल जस्ट बताया कि अगर कोई रेखा इसको बांटती है वृत्त को, अंदर से जाती है, तो अब बताइए इसको एक बिंदु पर यहाँ पर छेद कर रही है, दूसरा यहाँ पर, तो इसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, छेदक रेखा। तो ये हमारी हो जाएगी छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो किसी भी वृत्त में जो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं वो ऐसे देखिए, ये वृत्त है, अगर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची दिया जाए और एक स्पर्श रेखा ऐसे, ये दोनों समांतर हैं,
तो कितनी खींची जा सकती है? केवल केवल दो। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं, कितनी होती हैं? दो होती हैं। फिर चौथा कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, मान लेते हैं ये वृत्त है, इसके स्पर्श रेखा जो ये उभयनिष्ठ बिंदु है इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। यहाँ हो जाएगा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। इतना समझ में आया होगा, उतार लीजिए इस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन तीन कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, कि OQ बराबर 12 सेमी तो PQ की लंबाई ज्ञात की। पहले आइए इसका चित्र बना लेते हैं, जो कह रहा है वैसे चित्र बनाते हैं। तो पहले क्या, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच गया, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। इसकी त्रिज्या है 5 सेमी, ये मान लिए ओ है केंद्र। फिर आगे कह रहा है कि एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू है, बिंदु पी पर ये वृत्त है, इसके यहाँ बिंदु पर एक वृत्त पर एक बिंदु पी ले लिए, यहीं से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसको कह रहा है कि पी क्यू है, अर्थात ये क्यू है। इतनी बात समझ आया। फिर आगे कह रहा है कि केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है, तो यहाँ से केंद्र से एक रेखा आ रही है, केंद्र से एक रेखा आ रही है, इसको इस प्रकार मिल रही है कि ओ क्यू बराबर 12 सेमी है। ये भैया 12 सेमी है, 12 सेमी। तो पूछ रहा है कि पी क्यू की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया कि जब त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ मिलते हैं वहाँ 90 अंश का कोण बनता है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिल कहाँ रहे हैं? ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो जहाँ मिल रहे हैं यहाँ पर समकोण बनाएंगे। समकोण बन गया, जब ये समकोण बन गया तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया, ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो आइए वही करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, हल करते हैं इसको। दिया क्या है, ओ पी बराबर 5 सेमी, ओ पी हमारी क्या है? त्रिज्या है। और क्या दिया है, ओ क्यू बराबर 12 सेमी। तो लगा देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में होता क्या है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। लेकिन अब यहाँ पर कर्ण कौन सा होगा, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, जो समकोण त्रिभुज जहाँ पर बनता हो उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर कर्ण हमारा क्या मिल गया, ओ क्यू मिल गया, ओ क्यू का वर्ग बराबर। उसके बाद जब कोई कोण न दिया हो तो चाहे इसको लंब मान लो चाहे इसको लंब, कोई भी हो सकता है, तो लंब क्या हो गया हमारा ओ पी, और प्लस क्यू पी या पी क्यू कह लीजिए, पी क्यू का वर्ग। अब इसका मान हमें मिला है 12 का वर्ग, ये है 5, तो 5 का वर्ग और प्लस पी क्यू का वर्ग। तो इसको हल करेंगे तो आएगा ये 12 ब्रह्म 144 बराबर 5 25 प्लस पी क्यू का वर्ग। तो पी क्यू बराबर आएगा, ये इधर आकर घट जाएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा पी क्यू का वर्ग बराबर 119, पी क्यू का वर्ग 119। तो पी क्यू बराबर हमें निकालना है तो हो जाएगा एक अंडर रूट 119 सेमी। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, आंसर विकल्प नंबर डी मिलेगा। तो ये समझ में आया होगा, आप सब बता लीजिए इसको।
तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, फिर आगे मिलेंगे अगले क्लास।